हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब में फ़ोटो एल्बम ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शेप्स, सेकंड स्मार्ट आर्ट एंड थर्ड चार्ट। इलस्ट्रेशन ग्रुप के जो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस के बारे में आप पहले भी वर्ल्ड 2016 में पढ़ चुके हैं। तो हम इन ऑप्शन का यूज़ पावर पॉइंट में भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे इनका यूज़ वर्ल्ड 2016 में करते थे। जैसे हमें यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शेप्स, तो शेप्स ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी स्लाइड पे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं और उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे शेप इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लास्ट स्लाइड को सेलेक्ट किया और करने के बाद यहाँ पर गए न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड पे आने के बाद मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक किया। क्लिक करते ही एक ब्लैंक स्लाइड मिल गई। अब यहाँ पर शेप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स मिल जाएंगे। जो भी शेप आपको ड्रॉ करना है उस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और अब माउस का लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हुए ट्रैक करा लेंगे। वो शेप हमारा इस तरीके से बनकर शो करने लगेगा। अब शेप लेते ही हमें यहाँ पर ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट का ऑप्शन मिल गया है। अब हम इन फॉर्मेट टैब के ऑप्शंस का यूज़ करके अपने शेप पे फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं और हम यहाँ पर भी फॉर्मेट टैब के ऑप्शंस को उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि वर्ल्ड 2016 में करते थे। तो आप इन सभी ऑप्शंस को जो कि पहले पढ़ चुके हैं इन्हें चला के देख लीजिएगा। हम वापस से इंसर्ट टैब में आएंगे। अब इंसर्ट टैब में हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें हमारे कंटेंट को स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के फॉर्म में शो करना होता है। जैसे आप अपनी बुक्स में आपने देखा होगा या जब आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो जो हेडिंग्स होती हैं या कंटेंट होते हैं उन्हें हम बेटर लुक देने के लिए डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम चाहते हैं हमारे पास कोई कंटेंट है और उसे हम डायग्राम के फॉर्म में यानी ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके लिए भी पहले एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर ली। अब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को स्लाइड पर ऐड करने के लिए यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का डायलॉग बॉक्स मिल गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल लिस्ट प्रोसेस और डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स दे रखे हैं। तो आपको जिस भी टाइप का या जिस भी फॉर्मेट का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक स्लाइड पे इंसर्ट करना होगा उसे सेलेक्ट करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे उस पर और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही स्मार्ट आर्ट टूल्स में हमें डिज़ाइन और फॉर्मेट का टैब मिल जाएगा जिसका यूज़ करके हम अपने स्मार्ट आर्ट टूल के थ्रू जो भी ग्राफिक ऐड कराया है उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इन ऑप्शन का भी यूज़ हम सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हम वर्ल्ड 2016 में करते थे।
तो आप इन सभी ऑप्शंस को पहले पढ़ चुके हैं, इन ऑप्शंस को भी आप चलाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम वापस से इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है चार्ट। चार्ट ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने किसी डेटा को चार्ट के फॉर्म में यानी कि ग्राफ के फॉर्म में शो करना होता है। तो आपने वर्ल्ड 2016 और एक्सेल में भी पढ़ रखा है कि किस तरीके से हम अपने मैथमेटिकल डेटा को डिफरेंट टाइप के चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस चार्ट ऑप्शन को भी चलाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो ग्रुप दे रखा है वो है एडिंस। एडिंस ग्रुप के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जैसे हम जब सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो कुछ एडिशनल ऑप्शनल हम कस्टमाइज कर सकते हैं, वो हमें इनके थ्रू मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो कि है लिंक्स। लिंक्स ग्रुप में हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लिंक एंड सेकंड एक्शन। लिंक का मतलब यहाँ पर हाइपरलिंक से है। हाइपरलिंक भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि हाइपरलिंक क्या होती है और इसका यूज हम लोग कब करते हैं। तो हाइपरलिंक का यूज करके हम अपनी करंट फाइल के साथ किसी दूसरी फाइल को अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर पावर पॉइंट की अपनी इस फाइल पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं हम किसी दूसरी फाइल को अपनी इस करंट फाइल के साथ लिंक कर लें, तो हम उसे लिंक कर सकते हैं। लिंक करने से क्या होगा कि डायरेक्टली हम अपनी इस फाइल से उस फाइल पर जंप कर सकते हैं जिसे हमने लिंक कर रखा है यानी अटैच कर रखा है। अच्छा, अभी आप पावर पॉइंट फाइल पे काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जो दूसरी फाइल लिंक करें वो पावर पॉइंट की ही कोई दूसरी फाइल हो, वो किसी सॉफ्टवेयर की फाइल हो सकती है। तो आप किसी भी दूसरे फाइल को यानी कि किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को अपनी करंट फाइल से अटैच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक करते हैं। तो आपको जिस भी स्लाइड पर फाइल लिंक करनी होगी हम पहले उस स्लाइड पे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक किया। अब हमें जिस कैरेक्टर पे लिंक लगानी है उस कैरेक्टर को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर पी को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फाइल लिंक करने के लिए लिंक पे जाएंगे। लिंक पे जाने के बाद ही तुरंत हमें यहाँ पर इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग्स बॉक्स शो करने लगा। अब हम इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग्स बॉक्स के हेल्प से उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो हमें फाइल लिंक करनी है। तो उस फाइल को लेने के लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स हमें यहाँ पर शो कर रही है। जैसे यहाँ पर एक्सेल की, ठीक है, यहाँ पे पावर पॉइंट की और भी हमें सभी सॉफ्टवेयर्स की फाइल शो कर रही हैं। तो जो भी फाइल हमें लिंक करनी है हम उसे आकर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी फाइल लेनी है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है डेटा नाम से, अगर इसे सेलेक्ट करना है तो हम इस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक वर्ल्ड की फाइल बनी हुई है उसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इस फाइल को अटैच करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद ओके पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि
जिस कैरेक्टर को हमने सेलेक्ट कर रखा है, जिस पे हमने लिंक लगाई थी, उसका कलर चेंज हो गया है। तो जैसे ही हमारी फाइल अटैच हो जाएगी, अटैच होने के बाद उस कैरेक्टर का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम चाहें तो अपनी इस फाइल पे भी वर्क कर सकते हैं, जो भी काम करना होगा। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक कर दिया, ठीक है। तो अब हमारी ये फाइल है, हमें इस पे कुछ काम करना है, हम इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो फाइल हमने लिंक लगा रखी है, जैसे मैंने वर्ल्ड की जो फाइल अटैच कर रखी थी, उस फाइल पे मुझे कुछ काम करना है। तो अब ये देखेंगे कि उस फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे। तो हमें ओपन करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना होगा और माउस के जाकर जो लिंक लगाई है जहाँ पर, वहाँ पे लेफ्ट बटन से आकर क्लिक कर देंगे। तो कंट्रोल को होल्ड करते हुए माउस के लेफ्ट बटन से हमें क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि अभी प्रोसेसिंग हो रही है। अब प्रोसेसिंग होते ही जो फाइल हमने अटैच कर रखी थी, वो फाइल हमारी ओपन हो गई है। तो अब अगर हम अपने इस फाइल पे भी कुछ काम करना चाहें, तो हम इस फाइल पे भी काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं और अटैच करने के बाद कुछ भी काम कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं वापस से अपनी हमें पावर पॉइंट की फाइल पे आना है, तो हम यहाँ पर आएंगे और क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। क्लोज बटन पे क्लिक करते ही हमने यहाँ पे जो काम किया हुआ है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें काम सेव करना है या नहीं। सेव करना है तो हम सेव कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट सेव पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी और वापस से हमारी जो फाइल पे हमने लिंक लगा रखी थी, वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब अगर लिंक हटानी है, तो लिंक हटाने के लिए जिस पर लिंक लगाई है उसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद या तो हमें इंसर्ट टैब में जाके लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। Ctrl+K का प्रेस करते भी हमें तुरंत एडिट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब अगर लिंक रिमूव करनी है, तो यहाँ पे हमें रिमूव लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब हाइपरलिंक हट गई है, यानी कि जो फाइल हमने अटैच कर रखी थी उसका लिंक अब रिमूव हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है एक्शन। एक्शन ऑप्शन का यूज करके हम अपने सेलेक्टेड स्लाइड में किसी दूसरी स्लाइड को लिंक कर सकते हैं, और हम अपनी स्लाइड में जिस स्लाइड को लिंक करेंगे, डायरेक्टली उस स्लाइड से जिसे लिंक लगा रखी होगी उस स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगर हम स्लाइड शो करते हैं, तो जो हमारी स्लाइड्स होती हैं वो सीक्वेंस से आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड शो पर क्लिक किया और फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक किया। अब होगा क्या कि हम एक एक करके सीरियल वाइज ही अपनी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी स्लाइड पे क्लिक करें और उस पर क्लिक करते ही किसी स्पेसिफिक स्लाइड पर पहुंच जाएं, तो उसके लिए हम एक्शन ऑप्शन का यूज करेंगे। आइए हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि किस तरीके से एक्शन ऑप्शन का यूज करके हम अपनी सेलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करके किसी स्पेसिफिक स्लाइड पर जंप कर सकते हैं। तो अगर एक्शन का यूज करना है, तो सबसे पहले हमें स्लाइड पर एक्शन बटन को ड्रॉ करना होगा। तो जिस भी स्लाइड पर आपको एक्शन सेट करना है, पहले हम उस स्लाइड पर जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पर आकर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब एक्शन बटन लेने के लिए
यहाँ पर हमें सबसे पहले तो शेप्स ऑप्शन में जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर आएंगे और स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर एक्शन बटन्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एक्शन बटन के फॉर्मेट्स दे रखे हैं, तो जिस भी टाइप का आपको एक्शन बटन चाहिए उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर शेप ऑप्शन पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब जो एक्शन बटन चाहिए उस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम जैसे शेप ड्रॉ करते थे उसी तरीके से आप स्लाइड में जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर आकर माउस को ड्रैग कराते हुए एक्शन बटन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करते ही हमें यहाँ पर एक्शन सेटिंग्स का डायलॉग्स बॉक्स मिल गया है। अब एक्शन सेटिंग डायलॉग्स बॉक्स के थ्रू हम सेट कर सकते हैं और अपनी पर्टिकुलर किसी स्लाइड के साथ किसी स्पेसिफिक स्लाइड को लिंक कर सकते हैं। तो स्लाइड को लिंक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपरलिंक टू हमें यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। हमें यहाँ पर जाना होगा और जाने के बाद यहाँ पर आकर डाउन एरो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनका यूज करके हम अपनी स्लाइड पर एक्शन सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है लास्ट स्लाइड। अगर हम यहाँ पर लास्ट स्लाइड सेलेक्ट करेंगे तो अगर हम अपने इस एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम लास्ट स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। चलिए दिखाते हैं कि किस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट स्लाइड सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा तब काम करेगा एक्शन जब हम स्लाइड शो कर रहे होंगे। अभी आपने देखा फर्स्ट नंबर पे ये स्लाइड है, सेकेंड नंबर पे ये, और यहाँ पर जो लास्ट स्लाइड है वो 8 नंबर है। तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पे हैं। अब हम यहाँ पर आए स्लाइड शो पर और आके फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक किया। अभी हमारी फर्स्ट स्लाइड है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो एक्शन बटन है इस पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे। अब देख सकते हैं कर्सर चेंज होकर यहाँ पर हैंड टूल में कन्वर्ट हो गया है। इस पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी फर्स्ट स्लाइड से हम सीधे अपनी लास्ट स्लाइड पर जंप कर गए। तो आपने देखा कि हमारी अब स्लाइड सीक्वेंस से ना आकर बल्कि हम उस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे जिस स्लाइड में हमने एक्शन सेटिंग कर रखी होगी। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड के एक्शन बटन पर लगा रखा था कि लास्ट स्लाइड, यानी कि अगर हम उस एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम लास्ट स्लाइड पर जंप कर जाएंगे। हमें स्लाइड शो एंड करना है तो हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देंगे। अब हम एक्शन का नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेकेंड स्लाइड पर एक्शन की सेटिंग करनी है तो सेकेंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर भी सबसे पहले हमें एक्शन सेट करने के लिए एक्शन बटन ड्रॉ करना होगा। तो एक्शन बटन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर शेप में आएंगे। शेप में आने के बाद जिस भी टाइप का एक्शन बटन चाहिए होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। माउस को ड्रैग करते हुए एक्शन बटन बनाएंगे। बनाते ही जैसे ही माउस क्लिक छोड़ेंगे एक्शन सेटिंग डायलॉग्स बॉक्स आ गया। अब हम इस पर भी एक्शन की सेटिंग करने के लिए यहाँ पर हाइपरलिंक टू पर आकर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर क्लिक करेंगे तो अगर हम एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, और अगर प्रीवियस स्लाइड लगाएंगे तो जो स्लाइड पे एक्शन सेटिंग करेंगे उसकी जस्ट
पहले वाले स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम फर्स्ट स्लाइड पर जंप कर सकते हैं। और लास्ट स्लाइड, अभी आपने देखा कि अगर हम लास्ट स्लाइड लगाते हैं तो डायरेक्टली हम लास्ट स्लाइड पर जंप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है लास्ट स्लाइड व्यूड, इसका मतलब ये है कि हम उस स्लाइड पर सीधे जंप कर जाएंगे जो लास्ट टाइम हमने देखी होगी। नेक्स्ट है एंड शो। अगर हम एंड शो करेंगे तो हमारा स्लाइड शो एंड हो जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे सेकेंड नंबर स्लाइड पे जो एक्शन बटन ड्रॉ किया है, हम चाहते हैं कि जब हम इस सेकेंड नंबर वाली स्लाइड के एक्शन बटन पे क्लिक करें तो हमारा स्लाइड शो एंड हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एंड शो को सेलेक्ट करेंगे और आकर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब वापस से हम यहाँ पर, या तो आप अपने कीबोर्ड से स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, या स्लाइड शो टैब में जाकर भी स्लाइड शो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड और ये रही हमारी सेकेंड स्लाइड। यहाँ पर जो एक्शन बटन दे रखा है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारा जो स्लाइड शो था वो एंड हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर सेटिंग कर रखी थी कि अगर हम इस एक्शन बटन पे क्लिक करें तो हमारा स्लाइड शो एंड हो जाए। वापस से हम फिर से इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे आए, अब अगर हमें फिर से एक्शन सेटिंग करनी है तो शेप में जाएंगे। जाने के बाद एक एक्शन बटन ड्रॉ कर लेंगे। करते ही फिर से हमें एक्शन सेटिंग का बॉक्स मिल गया। अब यहाँ पर हाइपरलिंक टू पर आकर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर अच्छा, अभी हमें यहाँ पर अलग अलग नेम से, जैसे नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, इस तरीके से सबके नेम दे रखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम आते हैं स्लाइड पर, अच्छा आप अभी कस्टम शो आगे चलकर पढ़ेंगे कि कस्टम शो क्या होता है। तो अगर हम कस्टम शो पे क्लिक करेंगे तो हमने अगर कोई स्लाइड शो कस्टमाइज कर रखा है तो उस पे पहुंच जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर आएंगे, स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जितनी भी स्लाइड्स ले रखी होंगी सभी शो करेंगी। यहाँ से डायरेक्टली हम स्लाइड नंबर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि अगर हम एक्शन बटन पे क्लिक करें तो डायरेक्टली किस स्लाइड पर जंप कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पर थर्ड नंबर स्लाइड पे एक्शन बटन ड्रॉ किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हम जब भी थर्ड नंबर स्लाइड पे जंप करें तो हम डायरेक्टली सेवेंथ नंबर स्लाइड पे पहुंच जाएं। तो उसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे और यहाँ पर भी ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड शो पे गए और फ्रॉम करंट स्लाइड पे मैंने क्लिक किया और आकर इस एक्शन बटन पे क्लिक कर दिए तो उसी स्लाइड पे पहुंच गए जो स्लाइड हमने वहां से लिंक कर रखी थी। तो इस तरीके से एक्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड के साथ किसी दूसरी स्लाइड को लिंक कर सकते हैं और डायरेक्टली उस पर जंप कर सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से एक्शन की सेटिंग करते हैं। अब अगर हमें एक्शन बटन नहीं चाहिए तो उसे हटाएंगे कैसे, ये देखेंगे। तो आपको जिस भी स्लाइड से एक्शन बटन हटाना है, सबसे पहले तो उस स्लाइड पे जाएंगे। जैसे मुझे थर्ड नंबर स्लाइड से हटाना है तो थर्ड नंबर स्लाइड पे जाएंगे और एक्शन बटन को डिलीट करने के लिए एक्शन बटन पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देंगे। तो जैसे आप कोई शेप डिलीट करते थे सेलेक्ट करने के बाद, उसी तरीके से हम एक्शन बटन को भी डिलीट कर सकते हैं। अब हमें जो इसके आगे के ऑप्शंस दे रखे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।